गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पार्ट फर्स्ट का ये चौथा लेक्चर है, और इससे पहले हमने डिस्कस किया था, जनरल इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि संविधान कहाँ से आया, कैसे आया, कौन से मिशन योजना के तहत आया। तो सबसे पहले हमने अगस्त प्रस्ताव को डिस्कस किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जब भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर शामिल कर लिया गया तो कांग्रेस ने इसका काफ़ी विरोध किया था। तो इस विरोध को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अगस्त प्रस्ताव भेजा, और उस टाइम क्या है कि भारतीयों की संविधान बनाने की मांग और एक डोमिनियन स्टेट की मांग उठने लग गई थी। तो उन्होंने एक अगस्त प्रस्ताव बना के भेजा जिसमें उन्होंने ये प्रपोजल लिए थे कि भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार होगा, युद्ध के बाद एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा कि जो किसी भी युद्ध के बारे में सलाह देगी, और गवर्नर जनरल कार्यकारिणी में भारतीयों का प्रथम बार समावेश किया जाएगा। तो ये प्रस्ताव लेके, इसको अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, लेकिन अगस्त प्रस्ताव का विरोध हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग एक अलग राष्ट्र की मांग कर रही थी और कांग्रेस एक भारत की मांग कर रही थी, तो इस तरह से अगस्त प्रस्ताव खारिज हो गया। फिर अगस्त प्रस्ताव के बाद में जो नेक्स्ट इनका जो मिशन आया था वो आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आने के क्या क्या कारण थे इंडिया के अंदर? सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर अंग्रेजों की जो शक्ति थी वो कमज़ोर हो गई, काफ़ी कमज़ोर हो गए अंग्रेज। दूसरा, जापान की जो पावर थी, शक्तियाँ थी, वो दिनों दिन बढ़ रही थी। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो सदस्य थे, चाइना, यूएसए, अमेरिका आदि, इन सभी ने अंग्रेजों पे ये दबाव डाला कि आप भारत को स्वतंत्र करो। तो इन्हीं कारणों की वजह से, प्लस द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का यूज करने के लिए उन्होंने एक ब्रिटेन के उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, उन्होंने एक क्रिप्स मिशन, इसको क्रिप्स मिशन इसलिए बोलते हैं कि इसके जो व्यक्ति थे उनका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। इस व्यक्ति की अध्यक्षता में एक मिशन भारत के अंदर भेजा जो कि 23 मार्च 1942 को दिल्ली के अंदर आया, और उसने आते ही यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस, मौलाना अब्दुल कलाम, अब्दुल आज़ाद कलाम प्लस जवाहरलाल नेहरू से इन्होंने मीटिंग की और फिर एक ये प्रस्ताव पारित किया जिसके प्रोविजंस निम्न थे। पहली बार भारतीयों की संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग को इसमें स्वीकार किया गया, मूर्त रूप कैबिनेट मिशन योजना के तहत दिया गया, लेकिन भारतीयों को इन्होंने क्रिप्स मिशन में ये प्रपोजल था, ये प्रस्ताव था कि युद्ध समाप्ति के बाद में, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है उसके बाद में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो कि भारत का संविधान बनाएगी। दूसरा, युद्ध समाप्ति के बाद में भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तीसरी बात, एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, जो भी स्टेट्स उसमें शामिल होना चाहे या नहीं होना चाहे उनका अलग अलग एक अपना संविधान होगा। चौथी चीज जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उन्होंने मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग हमेशा ही कांग्रेस के खिलाफ रहती थी, मुस्लिम लीग को उस भारतीय संघ में शामिल होने या न होने का अधिकार दे दिया गया था, चाहे वो उसमें शामिल हो चाहे वो उसमें शामिल नहीं हो, वो मुस्लिम लीग पे निर्भर करता है। और जब तक भारत का नया संविधान नहीं बनता तब तक भारत की रक्षा का जो दायित्व है वो ब्रिटिश सम्राट का होगा। ये सभी प्रस्ताव लेके ये 30 मार्च
1942 को आए तो वो 23 मार्च को था। मीटिंग करने के बाद में ये प्रस्ताव रखे। अब इन प्रस्ताव के आधार पे यहाँ पे दो टाइप के दल थे, एक मुस्लिम लीग थी और एक कांग्रेस। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसकी जो अलग राष्ट्र बनाने की मांग थी या सांप्रदायिक आधार पे जो विभाजन की मांग थी उसको स्वीकार नहीं किया गया। दूसरा, कांग्रेस इस चीज़ का विरोध कर रही थी कि मुस्लिम लीग को भारत में शामिल या न शामिल होने का अधिकार देके भारत विभाजन की एक सिस्टम तैयार कर दिया गया। तो कांग्रेस एक अखंड भारत की स्थापना चाहती थी और मुस्लिम लीग एक अलग राष्ट्र की मांग कर रही थी। तो इन दोनों की वजह से क्रिप्स मिशन असफल हो गया, क्रिप्स मिशन फेल हो गया। अब क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद में भारतीयों को लगा कि अंग्रेज हमारी मांगे नहीं मांगेंगे, तो उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया जिसका आप सभी नाम जानते हो, भारत छोड़ो आंदोलन। इसको बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत सभी नेताओं ने एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया। 8 अगस्त 1942 को इसका प्रस्ताव लिया गया। 9 अगस्त 1942 को पूरे भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये घोषणा कर दी कि भारत छोड़ो आंदोलन। और इसमें एक नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने काफ़ी दमनकारी नीतियाँ प्रयोग की और सभी भारत छोड़ो आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे उनको जेलों में डाल दिया गया, उनको यातनाएं दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में इस असंतोष को दूर करने के लिए एक योजना आई थी जिसको बोलते हैं लॉर्ड वावेल योजना। लॉर्ड वावेल योजना यानी पहले जो गवर्नर वॉइस राय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो को हटा के लॉर्ड वावेल को यहाँ का गवर्नर वो वॉइस राय बनाया गया। और उन्होंने वो एक योजना लेके आए। आते ही उन्होंने एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया शिमला के अंदर जिसमें मुस्लिम लीग और सभी उसमें शामिल थे। सर्वदलीय सम्मेलन में कोई किसी प्रारूप योजना पे विचार नहीं हो पाया तो वो शिमला समझौता असफल हो गया। और ये पहले जो लॉर्ड वावेल थे जिन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस की एकता की बात कही थी, इससे पहले दो व्यक्ति और थे। एक थे राजगोपालचारी चक्रवर्ती और दूसरे थे एक और था लियाकत देसाई फार्मूला। क्योंकि यहाँ के आंदोलनकारियों नेताओं को यह लग गया था कि अगर भारत को स्वतंत्र करवाना है तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को इकट्ठा होना होगा। और यही बात लॉर्ड वावेल ने पहली बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस की एकता की बात कही। इससे पहले चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने भी काफ़ी प्रयास किए कि मुस्लिम लीग और ये आपके मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो जाए तो भारत को स्वतंत्र कराने में काफ़ी आसानी रहेगी। लेकिन वो इस अपने प्रपोजल को लेके प्रस्ताव को लेके वो मोहम्मद अली जिन्ना से मिले, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की हठधर्मी के कारण वो चीज़ फेल हो गई। इसी तरह से फिर एक लियाकत देसाई फार्मूला बोलते हैं, कांग्रेस के एक नेता थे भुलाभाई देसाई, उन्होंने फिर मोहम्मद अली जिन्ना से मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक करने का प्रयास किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।
लॉर्ड वाबेल योजना और शिमला समझौता फेल होने के बाद में फिर हम आगे बात करेंगे जिससे संविधान का प्रारूप बना था कैबिनेट मिशन योजना। तो नेक्स्ट क्लास में हम कैबिनेट मिशन योजना को मूर्त रूप देंगे। थैंक यू।